तो गाइस फाइनली JBL कंपनी ने अपने दो न्यू TWS लॉन्च कर दिए हैं, जो कि जो पहला वो है JBL Tune 130NC और जो दूसरा है वो है JBL Tune 230NC। तो ये जो दो TWS हैं इसको फाइनली JBL कंपनी ने फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी देने वाले हैं इससे, क्योंकि इसके अंदर इसके आपको जो अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं उसी के साथ इसके अंदर आपको अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा JBL Tune 230NC के बारे में, किसके अंदर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है और क्या प्राइस है इसकी और फीचर्स वगैरह क्या देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर ड्राइवर की, तो इसके अंदर आपको 6mm का डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है ऑडियोला, जिसका मतलब है कि आपकी जो साउंड एक्सपीरियंस है, जो साउंड क्वालिटी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, बेस वगैरह भी काफी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करें अगर इसके अंदर कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी और एप्पल के जो iOS होते हैं उनके साथ भी इजीली पेयर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनके साथ ये इजीली जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं और जो एयरपोर्ट्स होते हैं एप्पल के, जब आप उसको ऐसे ओपन करते हो उसके चार्जिंग केस को, तो वो 2 मिनट में कनेक्ट हो जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते यार, ज़्यादा 5-6 सेकंड या उससे भी कम ही लगते हैं। तो उसी तरह आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो एक पेयर पर ही, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये iOS के साथ कनेक्ट नहीं होगा, उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ एंड्रॉइड के साथ ये ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाता है। उसी के साथ अगर बात करें इसके अंदर IP रेटिंग की, तो इसके अंदर IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब है कि आप इसको बारिश वगैरह में भी यूज कर सकते हो, बट हाँ उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ ज़्यादा यूज कर लोगे तब दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं। अब बात करें अगर इसके बड्स की, तो हर एक बड्स के अंदर 2-2 माइक देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके जो नॉइज़ है उसको ज़्यादा रिड्यूस कर देती है, मीन्स कि जब भी आप किसी को कॉल वगैरह करते हो तो जो आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ है वो उस बंदे को नहीं सुनाई देगी जिससे आप कॉल वगैरह बात करोगे। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको ENC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको एम्बियंट साउंड वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है कि आपको जो ऑडियो क्वालिटी और जो साउंड एक्सपीरियंस है एकदम एक नंबर का मिलने वाला है, जिस हिसाब से इसकी प्राइस है। वैसे ज़्यादातर कंपनियां इस पर देती नहीं, बट हाँ इन्होंने दे दिया, यही काफी अच्छी बात है। और JBL तो यार आप लोग जानते हो कि एक ट्रस्टेड कंपनी है, जो कि काफ़ी टाइम से चली आ रही है, और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर अगर हम बात कर ले म्यूजिक की या फिर किसी भी चीज़ की, तो इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और हर एक जगह जो है JBL के ही ज़्यादातर साउंड वगैरह मैंने देखे हैं। और इन्होंने फाइनली जब ये लॉन्च किया तो कुछ सोच समझ के लॉन्च किया होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो ANC मोड दिया ना इन्होंने काफ़ी अच्छा है, और लिटरली अगर मैं बोलूँ तो साउंड एक्सपीरियंस भी इसका काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब बात करेंगे इसके अंदर बैटरी और चार्जर की, तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि जब आप इसके बड्स को सिंगल चार्ज करते हो तो आपको 6 hours 30 minutes का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, वहीं पे अगर आप इसको इसके चार्जिंग केस के साथ यूज करते हो तो 26 hours तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा आपको। और कंपनी ये भी क्लेम करती है कि अगर इसके बड्स को आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो आपको 2 hours तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अब अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो देखो जो इसकी प्राइस है इंडिया के अंदर वो है 5,999 rupees, यानी कि 6,000 rupees के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी का TWS है, और इसके अंदर आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, उसके साथ और भी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एम्बियंट साउंड देखने को मिल जाता है, ANC मोड वगैरह सारे के सारे चीज़ें देखने को मिल जाती है। वहीं पर जितने भी इसके अंदर टच कंट्रोल है वो सारे के सारे काम करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना और कॉल को पिक एंड कट करना, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जो इसके बड्स है उसके अंदर आपको जो लाइट है इंडिकेट देखने को मिल जाती है, जो कि बैटरी को इंडिकेट करती है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे लगा है इसके अंदर। तो जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसकी प्राइस भी बता दी, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको बाय करना चाहते हो कि नहीं। वैसे इसकी प्राइस 6,000 rupees है, और अगर इससे कम प्राइस में आपको कोई भी देखने को मिल जाता है किसी भी कंपनी का और अच्छे खासे स्पेक्स और फीचर्स के साथ, तब जाके आप उसको बाय कर लो, इसको स्किप कर दो, और अगर नहीं मिलता तो आप इसको जाके बाय कर सकते हो, बट डिपेंड आप पे करता है कि आपको ये पसंद आता है या फिर नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो बाय कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, स्किप कर देना। जब भी और कोई न्यू आएगा इससे कम प्राइस के अंदर तब भी मैं आपको बता दूंगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना, आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और अमेजिंग टेक वीडियो के लिए। अगर आपका कोई सवाल, आपका कोई सुझाव, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले थैंक यू एंड गुड बाय। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपनी जो फैमिली 1000 मेंबर की होने वाली है फाइनली, बस थोड़े से बाकी रह गए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि इससे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला सकूँ आप लोगों के लिए, और उसके साथ आप लोगों को गिव अवे वगैरह भी दे सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।